दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जिंकोविट सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस पे लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिंकोविट में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा कर रही है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है? अगर वो डाइट में आप ले लें तो आपको जिंकोविट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डाइट में खाने पीने में वो चीज़ कम हो रही है तो आपको जिंकोविट लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मल्टीविटामिंस मल्टीमिनरल सिरप है। अगर कोई आपको दूसरी कंपनी का सिरप मिलता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट करे वैसा आप इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जिंकोविट सिरप ही यूज़ करना है। अपेक्स कंपनी एक अच्छी कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा करती है, कौन कौन सी इसमें दवाएं हैं, उसके बाद हम इस पर डोज पे आएंगे, फिर हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ईच 5 ml कंटेन, इसमें 5 ml में एनर्जी जो मिलती है 10 kcal आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट 2.78 मिलता है और फैट इसमें नहीं होती है, प्रोटीन नहीं होती है। विटामिन B3 इसमें है, जिंक है, विटामिन ई है, विटामिन B5, B1, B2, B6, विटामिन ए, इसी तरीके से आयोडीन, कॉपर, सिलेनियम, विटामिन D3, विटामिन B12, यानी कि जो एसेंशियल हमको वो चाहिए, मिनरल्स चाहिए, इसी तरीके से जो विटामिन चाहिए वो सारी की सारी इसमें है। इसलिए जब आप इसको खाएंगे, इस सिरप को पियेंगे, तो फिर जो आप फूड्स लेंगे, विटामिन जो दोस्तों जो होती हैं वो क्या होती हैं कि डिफरेंट टाइप के फूड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जब हम खाना खाएंगे तो किसी विटामिन जो डिफरेंट टाइप की होंगी वो खाने को पे असर करती हैं और उसको हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराती हैं। जैसे विटामिन B12 अगर नहीं होगी तो एनीमिया हो सकता है, इसी तरीके से विटामिन ए नहीं होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये एक अलग चैप्टर है। तो मैं जिंकोविट सिरप के बारे में बात करूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, जो जिंकोविट सिरप है, मैंने बताया कि अगर किसी को वीकनेस है, कमजोरी है, उसको ऐसा लगता है कि बार बार थकान हो जा रही है, खाना सही से उसको नहीं मिल रहा है, जो डाइट है उसमें सारी चीज़ें नहीं हैं और बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, परदेश में है, खाना सही नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जिंकोविट सिरप आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डोज है वो 5 ml डेली, आपको 5 ml डेली लेना है। 2 साल से कम बच्चों में इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, 2 साल से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनमें 3 ml, 2.5 ml, 3 ml आप दे सकते हैं, 5 साल तक, उसके 5 साल के बाद 10 साल तक आप 4 ml दे दें, उसके बाद फिर 5 ml से 10 ml आप एडल्ट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें ये देखें कि एक्सपायरी क्या है। तो एक्सपायरी दोस्तों देखिए, अगस्त 2019 इसका मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर, यानी कि जब बनी है उससे 12 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये अगस्त 2020 तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपेक्स कंपनी है, अपेक्स कंपनी एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, इस पर आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जैसा आपके डॉक्टर चाहें वैसा आप इस्तेमाल कराएं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही सिरप इस्तेमाल करना है, लेकिन ये अच्छा सिरप है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, टैबलेट भी आता है। अगर आप सिरप नहीं खा सकते हैं तो जिंकोविट टैबलेट ले सकते हैं, जिस पर मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं। इसको आपको स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस में, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। दोस्तों, ये जानकारी थी जिंकोविट सिरप के बारे में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।